नमस्कार एसआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो वन वेरिएबल के अंदर है या नहीं है। अगर कोई नहीं है तो हम उसका रीजन बताएंगे कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है 4x^2 - 3x + 7। बच्चों देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम बताएंगे वेरिएबल फंक्शन इसमें 1 है या 2 है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, मतलब वेरिएबल फंक्शन यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल ही है, ठीक है। तो ये कहेंगे यस कि हाँ इसमें क्या है, वन वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। और बच्चों हम वेरिएबल फंक्शन ये भी बता सकते हैं, जब हमारे पास किसी भी वेरिएबल फंक्शन की पावर क्या हो, वोल नंबर हो, वोल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 ये हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे वन वेरिएबल के अंदर। अब बच्चों देखो इसका सेकंड टाइप है वो क्या है, y^2 + √2, तो यहाँ पे y की पावर कितनी है, 2 है, इसमें भी वन वेरिएबल है, वाई है ना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो वाई है नहीं, तो ये भी क्या होगा, यस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। इसके जो थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 3√t + √2, तो आप इसको क्या कैसे ले सकते हो, ये रूट है तो रूट को आप हटा के एक प्रकार से क्या ले सकते हो, टिक की पावर 1/2, यहाँ पे तो टी है ही, टिक की पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन आगे क्या है, √2 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर ये नहीं है पॉलिनोमियल, नहीं है वन वेरिएबल के अंदर, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो टिक की पावर कितनी है, 1/2 है, टिक की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 है, ये वोल नंबर नहीं है, तो आप कहोगे इट इज नॉट 1/2 इज नॉट ए वोल नंबर, तो दिस इज ए नॉट पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि पावर है जो वेरिएबल फंक्शन की वो वोल नंबर नहीं है, वोल नंबर नहीं होगी तो वो क्या नहीं होगा, वेरिएबल फंक्शन के अंदर नहीं होगा, ठीक है, वन वेरिएबल के अंदर। अब बच्चों नेक्स्ट जिसका पार्ट है वो क्या है हमारे पास, जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है y + 2/y, तो ये देखो यहाँ पे तो y की पावर 1 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, लेकिन देखो हमारे पास वेरिएबल फंक्शन तो y है, लेकिन आप उसकी पावर देखोगे वोल नंबर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो y की पावर 1 है, इसको आप ऊपर लेके आओ क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी, तो 2y की पावर -1, तो अभी मैंने आपको बताया था कि y की पावर क्या हो, वोल नंबर हो, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, -1 है, तो ये -1 है, तो ये भी नहीं है, क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का, तो आप इसमें भी रीजन दे सकते हो कि इसमें क्या नहीं है, y की पावर है वो वोल नंबर नहीं है, -1 है, तो -1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल फंक्शन, बिकॉज -1 इज नॉट बिलोंग टू वोल नंबर, ठीक है। तो इतना करने के बाद बच्चों अब नेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, जो लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट है वो है x^10 + y^3 है, आगे है t^50, तो इसमें वेरिएबल फंक्शन कितने हमारे पास, 3 है, कितने हैं, 3 वेरिएबल फंक्शन है x y t, तो आप क्या कहोगे, इट इज थ्री वेरिएबल, किसके अंदर 3 वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो कौन कौन से है, x है, y है और क्या है, टी है। लेकिन आप कहोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है एक्स वाई टी तीनों वेरिएबल फंक्शन की पावर क्या है, वोल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। बट लेकिन इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन है, और बच्चों फोर्थ पार्ट क्या था, पॉलिनोमियल नहीं था, थर्ड पार्ट भी पॉलिनोमियल नहीं था, सेकंड था और फर्स्ट था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बाय, टेक केयर बच्चों।